रेड्डी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, एंड सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई है कमांडो 3 की सक्सेस के लिए। थैंक यू। तो सर कैसे सफर रहा, बिकॉज यू आर द न्यू यू नो एंट्री टू कमांडो सीरीज, तो आपसे पहले शुरू करते हैं, बताइए। जी मुझे पता नहीं था कि क्या एक्सपेक्ट करूं इस फिल्म से और इस फिल्म को देखकर लोग क्या सोचेंगे, तो मैं कुछ एक्सपेक्टेशन लेके नहीं उतरा था। मैं कुछ नया करना चाहता था और करने की अनुमति भी दी थी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने, कुछ हद तक फ्रीडम दिया था इस रोल के साथ एक्सपेरिमेंट करने का। तो मैं जानना चाह रहा था कि लोग इसको देख के उनका रिएक्शन कैसा होगा। तो बहुत अच्छा रहा, तो जामवालियन से तो मुझे बहुत प्यार मिला, लोगों ने पसंद किया है मेरे इस काम को। तो मेरे इस साल में ये दूसरी पिक्चर है, तो एक्शन फिल्म है, एक मर्द को दर्द नहीं होता, उसमें भी लोगों ने बहुत मेरे डबल रोल को पसंद किया था, इसमें भी। तो ये दो तीर तो मैंने मार लिए इस साल के लिए, अभी देखना है कि आगे वाले जो 2020 में कितने तीर मारूंगा। सो इट्स बीन फैंटास्टिक, आई एम रियली हैप्पी दैट पीपल आर लविंग इट सो मच। यार एक सीरीज में काम करने का सबसे जो अमेजिंग एक्सपीरियंस ये होता है कि जब सेकंड पार्ट में आते हैं तो जो भी क्रू होता है उसको पता होता है कि आपने पहले मेहनत की है, रिजल्ट्स प्रूव हो चुके हैं, सो एवरीबॉडी हैज़ टू गिव इन 100%। थर्ड पार्ट में भी यही हुआ। सो अपनी सीरीज में काम करने का अलग आनंद तो है फॉर श्योर, और जब उसको सक्सेस मिल जाए और हर आदमी बोलने लगे कि उनको मजे आ रहे हैं, यू फील लाइक यू हैड एन अचीवमेंट। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो कमांडो 3 के लिए आपको मिला और रिसेंटली जो कमांडो 1 और 2 में, मतलब यार हमारी फिल्म में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे मर्द के साथ लड़कियों ने भी उतना ही उम्दा एक्शन किया है। सो देयर आर टू गर्ल्स हु फॉट ब्रिलियंटली इन द मूवी। लड़कियों से मुझे बहुत रिस्पॉन्स आया कि देव इन्जॉयड वॉचिंग द गर्ल्स फाइट, सो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है यार दैट लड़कियों ने बराबर की लड़ाई की लड़कों जैसे। द रीजन आई एम आस्किंग इज बिकॉज आप पार्ट थे 1 और सेकंड का, तो कहने की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि नाउ नेक्स्ट इज कमांडो 3, तो अब क्या डिफरेंट, अब क्या अलग, वही जॉनर है, वही यू नो थोड़ा सेम काइंड ऑफ रोल है, तो मतलब कहाँ, मतलब आप कहना क्या क्या इसके बारे में कुछ रोशनी डाल पाएंगे, किसके बारे में, मतलब जो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है लोगों की और लोग आपको अलग अवतार में देखना पसंद करते हैं, मगर वो सेम कहने की यार दरअसल जब आप फ्रेंचाइज बनाते हैं तो आपको मेरे ख्याल से जहन में रखना पड़ता है कि हर पार्ट या तो बहुत इंटरलिंक्ड हो या बिल्कुल अलग हो। तो हमारे लिए ज़रूरी था कि एक थर्ड पार्ट में एक अलग स्टोरी लाई जाए जो नेशनल इंटेग्रिटी पेट्रियटिज्म के ऊपर हो, एंड हम लोग कामयाब हुए लोगों को एकजुट करने में, जो बहुत अच्छी बात है। गुलशन सर आपकी बात की है, तो हंटर से कमांडो तक का सफ़र कैसा रहा आपका, और मतलब कितने चेंजेस आए, क्या बदलाव आया, क्या कुछ सीखने को मिला है? हाँ हंटर के बाद मैंने बुकिंग कराई थी, वो कैंसिल हो गया टिकट तो सफ़र हो नहीं पाया थोड़ा वेट करना पड़ा, फिर कैंसिलेशन चार्ज वो रिक्लेम करने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो होता है आजकल ना, बिना लड़े कुछ मिलता नहीं। जाते रहो सॉरी मैं थोड़ा ऐसे तफरी के मूड में, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि मैंने सोचा नहीं है। मैं और ज़्यादा खुश होना चाहता था मेरे करियर को लेके, क्योंकि जब हंटर 2015 में आई थी मेरे लिए एक अलग किस्म की फ़िल्म थी, मेरे करियर के लिए एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी, क्योंकि एक नए अंदाज़ में लोग मुझे देख रहे थे, एक नई किस्म के लोग, नए किस्म के रोल में लोग मुझे देख रहे थे, और मैंने उसको बहुत इन्जॉय किया करते हुए भी, और उस फिल्म से जो रेस्पॉन्स मिला था। लेकिन मैं कुछ और उसी टाइप की फिल्में नहीं करना चाहता था, मैं अलग अलग अंदाज की फिल्में, एक डाइवर्स करियर बनाना चाहता हूँ अपने लिए। तो ये कोशिश में कभी कभी थोड़ा समय लग गया, और कुछ जो मैं चाहता था उस टाइप की फिल्में नहीं कर पाया, जो मैंने कोशिश की कुछ फिल्मों के में शामिल होने की वो नहीं कर पाया। तो आई थिंक थोड़ी सी, इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, थोड़ी सी धीमी हो गई स्पीड मेरी, लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा रफ्तार पकड़ रहा हूँ और एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साल में कितना काम कर सकता हूँ, और ये जो डाइवर्सिटी मैं बनाए रखना चाहता हूँ उसको उसके लिए मैं क्या करूँ, ये थोड़ा थोड़ा मैं अब समझने लगा हूँ। क्या कमांडो 3 की तरह हंटर 2 देखने को मिलेगी? मैं बोल बोल के थक गया डायरेक्टरों को, भाई बना ले थोड़ा बहुत माल कमा लेंगे हम है मार्केट लोग पूछ रहे हैं। जैसे हम दिल्ली में गए थे फिल्म के प्रचार के लिए, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम था आउटडोर प्रोग्राम, वहाँ पे लोग वही सवाल कर रहे थे मुझे कि हंटर ही बुलाते हैं मुझे ज़्यादातर,
तो वो जानना चाह रहे थे कि हंटर 2 कब आ रही है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है. आई थिंक जो जब वो डायरेक्टर के पास एक कहानी होगी, जब वो बनाना चाहेंगे तब वो बनेगी. आई हैव टू रिस्पेक्ट हिज डिसीजन. यार इट्स अ ट्रू लाइफ इंसिडेंट एंड हैदराबाद बेस्ड एक कपल है जो 2008 में जब रिसेशन का टाइम था उनकी शादी हुई थी और जॉब छूट गई थी, दोनों सऊदी अरेबिया गए और किस तरह लैंड होने के बाद बीवी ना मिली, किस तरह से हीरो की जद्दोजहद अपनी वाइफ को लाने के लिए जो हकीकत में हुआ था. ये स्टोरी उस बारे में है. इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग समथिंग व्हिच इज अ रियल लाइफ इंसिडेंट, सो एक्साइटेड. एंड व्हेन यू वर शूटिंग फॉर दिस फिल्म, क्या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, एनी मेमोरेबल इंसिडेंट और एनी इंसिडेंट व्हिच इज अनएक्सपेक्टेड ऑन द सेट दैट यू वांट टू शेयर? अनएक्सपेक्टेड तो अभी जहन में नहीं आ रहा कुछ. कुछ हुआ नहीं ये फिल्म नहीं वो. आप खुदा हाफिज़ की बात, खुदा हाफिज़ आप बात किसकी कर रहे हैं? कमांडो 3. कमांडो 3 ओ हाँ. अनएक्सपेक्टेड तो कुछ एनी मेमोरेबल मोमेंट और यार व्हेन यू शूट अ मूवी एंड व्हेन यू वॉच द मूवी एवरी सीन यू रिमेंबर. अगर आप गाने में किस तरह से स्टेप भूल गए थे या क्या एक्शन पीस में बहुत टाइम लग गया था, एवरी मोमेंट इज क्वाइट मेमोरेबल बिकॉज़ व्हेन यू वॉच इट यू रिमेंबर मोस्ट ऑफ द मोमेंट्स. मैंने बहुत कंप्लेन किया था कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर से पहले कि मेरे कॉस्ट्यूम जो है ना इंग्लैंड के वेदर के मुताबिक नहीं है. मुझे हाँ शर्ट पैंट नहीं नहीं द डायरेक्टर हैज़ अप्रूव्ड दिस लुक. और वहाँ पे सब लोग मोजे दस्ताने पहन के ऐसे कर रहे थे. मैं बातों में जाहिर नहीं कर सकता. आई फ्रोज माई ऐस ऑफ कहते हैं ना, वो वाली बात हो गई. तो ये बड़े बहुत यादगार मोमेंट है मेरे लिए. आई नो ये अच्छी बात नहीं है, काफ़ी फनी है एक्चुअली व्हेन आई लुक बैक. या इट वॉज फ्रीजिंग और नॉर्दर्न इंग्लैंड में तो हवा भी चलती है, तो मतलब अगर वो 7 डिग्री है तो ईजिली आपकी 3 डिग्री और कम हो जाती है. यानी आपका सवाल गलत है. सॉरी आई नीड टू जस्ट. हर बार मैं कुछ भी इंसिडेंट होता है ना हिंदुस्तान में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने इंडिया पे बॉम्ब फेंक दिया, सो जर्नलिस्ट क्यों पूछते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है, इतने लोग मरे हैं आपको कैसा लग रहा है? ये सवाल रिडिकुलस है. बहुत बुरा लगता है जब बॉर्डर में लड़ाई होती है, बहुत बुरा लगता है. जर्नलिस्ट को ये सवाल बंद कर देने चाहिए कि कैसा फील हो रहा है कि रेप हो गया, कैसा फील हो रहा है. रॉन्ग क्वेश्चन. सो मैडम आई जस्ट वॉन्ट टेल यू, आई एम कमिंग टू यू, हाउ डू यू फील दैट एंड वॉट डू यू थिंक, उससे मूवी को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? ये सवाल ही भाई याद है. हम बेनिफिट के लिए करते नहीं है कोई चीज़, होए ना होए वो किस्मत की बात है. सो सॉरी मैम आई डू नॉट कंकर विद योर क्वेश्चन. सी एनी अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी, जो भी कोई फिल्म के बारे में, किसी भी फिल्म के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो वो हम क्यों चाहेंगे कि कोई नेगेटिवली सोचे. और इसका अच्छा बुरा असर मतलब पढ़ना ही नहीं है इस चीज़ में. अगर किसी को लग रहा है कि किसी को किसी किसी के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची है तो वी आर सॉरी, हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था. आई नो मूवी को क्या फ़ायदा. हाँ तो हमारे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है. हम तो चाहेंगे ही नहीं कि नेगेटिवली सोचें, हम तो चाहेंगे कि पॉजिटिवली सोचें लोग. नो आई थिंक नो नॉट रियली इन माई ओपिनियन. जो विरोध कर रहे हैं आई थिंक उनको दोबारा से इस बारे में मैं गुजारिश करूँगा कि सोचे इसके बारे में. नहीं, हम दोनों की इस बारे में बात हुई थी दिन में. हाँ बात हुई थी. और जस्ट एक्सप्लेन टू यू हाउ आई फील एंड हाउ ही फील्स. यार मैं हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट करता हूँ, कलरी फाइट. मैं देश से उतना जुड़ा हूँ जितना और कोई जुड़ा हुआ है. मेरे फादर, मेरे ग्रैंड फादर, मेरे मामा ताया सब हिंदुस्तानी आर्मी के लिए काम किए हैं. मेरे मामा की डेथ हुई है 1971 वॉर में. तो मुझसे ये सवाल पूछना कि आपने किसी को नीचा दिखाया है, नहीं दिखाया, ये गलत है. पहली बात ये. बट चूंकि मैं रेसलर्स, बॉक्सर्स, कबड्डी प्लेयर्स, खो खो प्लेयर्स, हिंदुस्तानी हर एथलीट की बहुत तहे दिल से इज्जत करता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ जाने अनजाने अगर गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ. और माफ़ी के साथ ये भी बोलता हूँ कि आगे कभी फिल्मों में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कभी ऐसा ना हो कि किसी के इमोशन को हर्ट फील. बट इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो ये बोलना. हाँ वो तो मतलब किसी का इमोशन, मतलब आजकल किसी भी बात पे लोग गुस्सा हो जाते हैं और इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ तो सब. ये तो मुश्किल है ना, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ क्रिएटिव चीज़ कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज समबडी इज गोइंग टू फील बैड. मेरा कहना यह है कि आप प्लीज़ चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में देखिए. मैं एक टेररिस्ट
का रोल प्ले कर रहा हूँ जो मुसलमान है इस फिल्म में, क्या इसका मतलब ये है, क्या ऑडियंस इस फिल्म को देख के ये सोचेगी कि सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं सोचेगी ना। तो क्या उस अखाड़े में, अखाड़े वाले सीन में आपने एक पहलवान को कुछ बदतमीजी करते हुए दिखाया था, क्या ऑडियंस ये सोचेगी कि सारे पहलवान जो हैं वो ऐसे ही है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। मैं आपके बात बताऊँ, जैसे लाइक बॉडी बिल्डर्स, मैं बहुत इज्जत करता हूँ हिंदुस्तानी बॉडी बिल्डर्स की, अगर कभी बॉडी बिल्डर से मुझे लड़ना पड़ जाए और उसको हराना पड़ जाए तो उसको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बट जाने अनजाने में अगर कभी कुछ हो जाता है आगे तो पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसे गलत फहमियाँ ना हों। मेरे लिए तो ये मैं सीरीज़ का हिस्सा नहीं हूँ तो मेरे लिए तो ये नया एक्सपीरियंस है। मैंने बिल्कुल काम पे ध्यान दिया था, मैं वो रिज़ल्ट पे ज़्यादा सोच नहीं रहा था। मैं तो यही चाहता था कि मैं अपना जो काम है वो ट्रूथफुली करूँ, वो ईमानदारी से करूँ। बाकी ऑडियंस को जो देना होता है प्यार मोहब्बत वो देगी, अगर उसको देनी है आपको प्यार और मोहब्बत वो देगी। यार उम्मीद तो कर रहा था कि इस बार लोग थोड़ा ज़्यादा देखें और हुआ जो उम्मीद किया था। आई एम हैप्पी दैट पीपल हैव बीन गोइंग टू द थिएटर्स, दे बीन एंजॉयिंग। हर बार जब गुलशन और मेरा सिनेमा हॉल में कॉन्फ्रंटेशन होता है, मैं सिंगल स्क्रीन गया हूँ, मल्टीप्लेक्स में गया हूँ, जिस तरह से चिल्लाते हैं एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आती है जो बहुत अच्छी होती है। क्या कमांडो 4 का हिस्सा बनना चाहेंगे या कुछ आने वाली है, कुछ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? क्या मैं कमांडो 4 का हिस्सा बनना चाहूँगा? मैं आगे लेके जाऊँगा कमांडो को, ये संन्यास ले रहे हैं अभी, आगे मैं और अंगिरा और अदा जो है कमांडो 4 को आगे। इनका बेटा बड़े होकर कमांडो 4 प्ले करेगा। करेक्ट, जो तुम्हारी तरह दिखेगा जी। तो स्क्रिप्ट रीडिंग चल रही है? नहीं यार, अभी कुछ नहीं हुआ है, थॉट आएगा उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। इस बार और मेहनत करने की जरूरत है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और मेहनत करेंगे। अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, बट ये कन्फर्म है कि कमांडो 4, 5, 6 आएगी। नेटफ्लिक्स पे आएगी गोस्ट स्टोरीज, जो 31 दिसंबर की रात को स्ट्रीम होगी, जो जिसमें 4 डायरेक्टरों ने मिलके ये फिल्म बनाई है, जो दिबाकर बैनर्जी का जो फिल्म है उसका मैं हिस्सा हूँ। बहुत मज़ा आया दिबाकर के साथ काम करते हुए, और मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम था वो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग विद अस। थैंक यू ब्रदर।